वॉचिंग खबर फेस टू फेस। दर्शकों स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में, मैं जिशान आजमी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एसएससी रिजल्ट में आपका कितना हाईएस्ट परसेंटेज आया हमारे दर्शकों को बताइए। एसएससी अभी के जो रिजल्ट लगे 2023-24 उसमें हाईएस्ट जो है वो 92% है आईडी इंग्लिश हाई स्कूल की तरफ से। सर कितने बच्चे अपीयर किए थे, किस तरह से तैयारियां की थी बच्चों ने? टोटल 87 बच्चे जो है अपीयर किए थे इस एग्जाम्स में और तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही थी स्कूल की तरफ से भी और बच्चों की तरफ से। सर टॉपर का नाम क्या है और किस तरह से वो प्रिपेयर करता था एसएससी एग्जाम के लिए? टॉपर का नाम है सलमान पाशा करके और ये काफ़ी गौर करने की चीज़ है कि मैंने देखा है अन्य विद्यार्थी और स्कूलों को भी देखा है कि एसएससी बोर्ड के एग्ज़ाम्स के वक्त बच्चे सिर्फ पढ़ाई और कुछ किसी और चीज़ में ध्यान नहीं देते, सिर्फ पढ़ाई। स्कूल भी बच्चों को फोर्स करते कि सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे, पर ऐसा अपने यहाँ पे नहीं है क्योंकि हमने टेंथ के बच्चों को भी, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि नाइन्थ में जो है हमने किसी को फेल नहीं किया है। एक हाथ अगर कोई फेल हुआ है तो अगर मार्क्स एकदम ही कम है तो शायद से वो फेल हुआ कि वो, नहीं तो हमने किसी को फेल नहीं किया। या तो हमने रीटेस्ट भी लेते हैं, री एग्जाम्स होता है और फिर उनको प्रमोट करके हम लोग, क्योंकि हमें जो विश्वास है कि स्कूल जो है मेहनत करके बच्चों को पास कर सकती है। और साथ में जो मैं अभी जैसा आपने सवाल पूछा सलमान के बारे में, तो सलमान को जो है किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं था किसी बात को, सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देना है ऐसा नहीं। सिर्फ सलमान ने तो और भी काफ़ी बच्चे थे जो पढ़ाई के साथ साथ वो अन्य एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा ले रहे थे। जैसे सलमान को ड्राइंग में इंटरेस्ट है, फिर बाद में फिर स्कूल के एग्जीबिशंस है या फिर जो भी है एक्टिविटीज़ हुआ, कॉम्पिटिशन्स हुआ, हर एक एक्टिविटी या कॉम्पिटिशन में वो भी हिस्सा ले रहा था और उसके साथ साथ अन्य और भी काफ़ी बच्चे थे वो भी लेते थे हमारे साथ। उनका प्रेजेंट भी रेगुलर बच्चे लोग आते थे, सभी ऐसे थे बच्चे के कुछ लोग बराबर आते थे टाइम पे। रेगुलर जो है अभी जैसे सलमान है वो रेगुलर आता था, कुछ कुछ बच्चे जो है वो रेगुलर नहीं आते थे। अब उसमें इसमें ऐसा होता है कि बच्चे तो जाते तो घर पर ही है तो माँ बाप को जो है काफ़ी ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ों पे कि बच्चा स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो स्कूल की तरफ से कॉल भी दिया जाता है तो ऐसा भी होता है कि नंबर जो है वो गलत दिया जाता है, हो सकता है बच्चे ही गलत नंबर दे रहे ताकि हम लोग पेरेंट्स की तरफ अप्रोच ही ना हो। आपका तो रिजल्ट बहुत अच्छा आया है और फ्यूचर में भी हम यही कामना करेंगे कि रिजल्ट ऐसे आता रहे, इससे अच्छा बेहतर। तो बीच में आपके बच्चे ने स्पोर्ट से फाइट में बहुत अच्छा था, उसके बारे में कुछ बताइए, वो उसका कौन सी क्लास में है वो? अब मैंने जैसे बताया कि हमने सिर्फ बच्चों को पढ़ाई में ही इन्वॉल्व नहीं रखा, उनको हर एक एक्टिविटी में उनको हिस्सा लेने दिया। तो जैसे एक एक बच्चा है अपने पास अराफात नाम का, तो वो बच्चा जो है नेशनल लेवल तक भी गया हुआ है, वो नेशनल लेवल पे उसने बड़े से बहुत से कॉम्पिटिशन जीता भी और एसएससी में भी उसको अबव 70% उसको मार्क्स आए। अच्छा अक्सर ये होता है कि लोग 92, 99, 95% और या फिर पास होने या 50% तक बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि सिर्फ पास हो जाए और बहुत से बच्चे किस उनका लक अच्छा नहीं होता है, मेहनत करते हैं शायद वो पास नहीं हो पाते, लेकिन माइंडली डिस्टर्ब हो जाते हैं, माइंडली डिस्टर्ब होने के बाद वो कुछ गलत कदम उठाने की कोशिश करते हैं, उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, गलत कदम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कि अभी पास होना काफ़ी आसान हो गया है, 10th स्टैंडर्ड में भी पास होना काफ़ी आसान है और फिर भी अगर कोई फेल हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि उसने मेहनत बिल्कुल नहीं किया है, तो पहला तो ये। दूसरा अभी जैसे रिजल्ट्स लग जाते हैं उसके बाद में हम लोग रीचेकिंग के लिए भी दे सकते हैं, रीवैल्यूएशन है, फिर उसके बाद में तुरंत वापस एग्जाम्स भी होते हैं। एटी केटी की भी फैसिलिटी है बोर्ड की तरफ से दी हुई, तो ये गवर्नमेंट और बोर्ड का काफ़ी एक अच्छा एक स्टेप है जिससे बच्चे अगर फेल होते भी है तो वापस से अपीयर करके पास हो सकते हैं, तो उनको एक मौका मिलता है पास होने का। और नहीं भी तो ऐसा है कि हो सकता है कि बच्चों को, मतलब बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट उनको लाना चाहिए और पास होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि 35% लाया 50% लाया तो उसका लाइफ पूरा फ्यूचर ही खराब हो गया, ऐसा नहीं है। मैंने ये भी देखा है कि 90% लाने वाले बच्चे लाइफ में फेल होते हैं आगे चल के,
भाई जो 35-50 वाले जो है उनमें काफ़ी डेयरिंग होती है और वो कुछ अच्छा कर जाते हैं, तो ये दोनों चीज़ें हैं, तो ये दोनों चीज़ों को उनके ऊपर उनको ध्यान देना है। तो जो टॉपर आए उन बच्चों को पेरेंट्स का और टीचर का किस तरह से सपोर्ट था पूरे साल? पेरेंट्स का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होता है, अगर वो टॉपर आया तो उसका मतलब ये है कि उसको वक्त पे उठाया जा रहा है घर पे, उस स्कूल में भेजा जा रहा है, उसके खाने पीने की चीज़ों का जो है अच्छा ख्याल रखा जा रहा है, और वो जब स्कूल आ रहा है तो हम लोग उसको अगर उसको कोई सवाल है तो उसको सवाल का जवाब मिल रहा है, फिर उसको अगर वो टॉप ला रहा है तो उसका मतलब वो डिस्टर्ब नहीं है। तो डिस्टर्ब क्यों नहीं, क्योंकि उसको जो जैसा चाहिए स्कूल और पेरेंट्स की तरफ से सोई सुविधा जो है वो उसको मिल रही है, तो मानसिक रूप से वो तंदुरुस्त है, तो इसलिए टॉप आ सकता है। पिछले एसएससी रिजल्ट और इस एसएससी रिजल्ट में क्या अंतर देखते हैं, क्या फर्क दिखता है आपको? फर्क ये है कि काफी इम्प्रूवमेंट आया। हमारा जो पहला बैच जो था सन 2001 तब से लेके अब तक तो काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा था, फिर कोविड आया, तो कोविड में ऐसा हो गया कि बच्चे काफी डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो डिस्ट्रैक्शन की वजह से रिजल्ट्स के ऊपर काफी असर होने लगा, क्योंकि वो एक साल जो जैसे 1-2 साल वो पढ़ाई से काफी दूरी हो गए थे, तो उनको वापस लाना ये थोड़ा सा एक मुश्किल टास्क था, पर फिर भी ऐसा हुआ कि हमने काफ़ी कोशिश की, मेहनत की, बच्चों ने भी स्कूल ने मेहनत की है, और उसमें बच्चों का भी कंट्रीब्यूशन होता ही है, जिस वजह से वापस आ सके और अभी रिजल्ट काफ़ी अच्छा लगा और आने वाले वक्त में और अच्छा रिजल्ट लग गया। कितना प्राउड फील हो रहा है, और जो बच्चे टॉपर आए इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे, प्रिंसिपल सर, टीचर, पेरेंट्स या सभी को देना चाहेंगे? मैं क्रेडिट तो सबको ही देना चाहूँगा, क्रेडिट किसी एक को ही नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि टीचर्स तो पढ़ाने का काम करते हैं, टीचर्स सबको पढ़ाते हैं, पर वो बच्चा जो है वो खुद की भी मेहनत है, उसने मेहनत की, टीचर्स को कोऑपरेट किया, इसलिए उसको इतना अच्छे मार्क्स आए, और बाकी सब बच्चे भी अगर वो कोऑपरेट कर रहे हैं तब जाके वो पास हो रहे, तो क्रेडिट किसी एक को नहीं तो सबको मिलना चाहिए। जो यहाँ के स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ, वो कितने एक्सपीरियंस है, बच्चे को कितना फ़ायदा पहुँचता है? अपने यहाँ का जो स्टाफ है स्कूल का, तो सब वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, वेल ट्रेंड है, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सब ग्रेजुएट टीचर्स हैं, उन्होंने टीचर्स की ट्रेनिंग ली हुई है और ट्रेंड टीचर्स ही यहाँ पे हैं, तो ट्रेंड टीचर को पता होता है कि बच्चों को कैसे ट्रेन करना है, उनकी अगर कोई प्रॉब्लम्स है प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, तो इस तरीके से टीचर्स का जो है रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्कूल में। बच्चों ने 10वीं पास करी है, बहुत खुशी की बात है, अच्छे नंबरों से पास करी, लेकिन आने वाले वक्त में आगे उनको क्या करना है, तो इसके लिए कुछ आपका स्कूल उनको गाइड करता है? हाँ, स्कूल गाइड करता है, बच्चे यहाँ पे आते हैं, क्या होता है कि ना आफ्टर एसएससी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी स्ट्रीम में जाना है, तो बहुत से बार ऐसा होता है कि वो अपने दोस्त के इन्फ्लुएंस में रह जाते हैं कि अगर मेरा दोस्त ये कॉलेज में जा रहा है तो मैं भी वहीं पे चल जाऊँ, अगर मेरा दोस्त आर्ट्स या कॉमर्स ले रहा है या फिर साइंस ले रहा है तो मैं भी उस वही स्ट्रीम में जाऊँ, तो बच्चों को काफ़ी ज़रूरी है कि वो उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो क्या करने में उसको बहुत संतुष्टि मिलती है, तो उसको सेटिस्फाइड फील होता है, तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि वो उनको उनका इंटरेस्ट जो है वो उनको बताएं कि आपका आपको जो है ये चीज़ों में इंटरेस्ट है, यहाँ पे आप अच्छा कर सकते हो, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं, बाकी बच्चों के ऊपर और उनके पेरेंट्स के ऊपर है कि वो हम जो बता रहे हैं उसी उसी को अप्लाई कर रहे हैं कि आप फिर वो अपना खुद का भी एक सोच रखते हैं और उस हिसाब से वो आगे की एक एक जो बात है वो चूज कर सकते हैं। प्रिंसिपल सर के बारे में बताइए, किस तरह से वो बच्चों की देखभाल करते हैं, किस तरह से उनका सहयोग रहता है एसएससी बच्चों और तभी सब तमाम बच्चों के लिए? हमारे प्रिंसिपल सर जो है उन्होंने काफ़ी मेहनत करके स्कूल को यहाँ तक लाए हैं, हमने स्कूल जो है सिर्फ एक रूम से स्टार्ट की थी उन्होंने, और तब से अब में काफ़ी अंतर है, एक वेल प्लान्ड वेल स्ट्रक्चर्ड एक बिल्डिंग है जिसमें अब अगर आप देखोगे क्लासरूम्स में फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ब्राइट है क्लासरूम, बहुत सी जगह पर आप देखोगे तो क्लासरूम काफ़ी डल होता है, पर यहाँ पर वैसा नहीं है, काफ़ी ब्राइट है, अच्छे लैब है, टॉयलेट्स है, फिर इनोवेटिव मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, तो उनकी तरफ से ये जो है हर एक मुमकिन फैसिलिटी जो फैसिलिटी स्कूल प्रोवाइड कर सकती है। जो कितने टोटल बच्चे कितने होंगे हमारे यहाँ पे अभी फिलहाल जो है कम से कम 1500 बच्चे हैं। आपके स्कूल का अभी एडमिशन शुरू है या प्रोसेस कंप्लीट हो गया? नहीं, एडमिशन चालू है और प्रोसेस चालू हुई है, और पेरेंट्स आके अपने बच्चों का नाम जो यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। सर, हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन,
और आप आखिर में पेरेंट्स बच्चों को और टीचर को क्या मैसेज देना चाहेंगे एज ए हेड मिनिस्टर ऑफ आइडियल इंग्लिश हाई स्कूल? मैं एज ए हेड तो सबको ये कहना चाहूँगा कि सबने काफ़ी अच्छा काम किया है, और ऐसा काम जो है टीचर्स को मैं कहूँगा कि जो काम उन्होंने किया था उसी को कंटिन्यू कर दे, और अगर कुछ गलती हुई उसमें सुधार करके और अच्छा करे। बच्चों को भी मैं यही कहूँगा कि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, और पढ़ाई पढ़ाई के साथ साथ अन्य चीज़ों में जैसे खेल कूद है, डांस है, ड्राइंग है, हर चीज़ में वो हमेशा हिस्सा लेते रहे, और स्कूल की तरफ से उनको हमेशा सपोर्ट रहेगा। पेरेंट्स को भी मैं यही कहूँगा कि वो हमेशा आते रहे स्कूल में, सैटरडेज के दिन वो आ सकते हैं, टीचर्स को मिल सकते हैं, अगर उनको किसी चीज़ को लेके कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल करना है, पूछना है, वो आके पूछ सकते हैं, मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करने के लिए। थैंक यू।